आर्यन के सामने हुआ बड़ा खुलासा। हेलो दोस्तों, आपने लॉगिन किया है फिल्मी बीट और मैं हूँ आपके साथ शिल्पी। बात करें स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो इमली की, जहां आप देख रहे हैं कि कैसे ज्योति बार बार इमली को मारने की कोशिश कर रही है। कभी उन्होंने कैरी को चुनौती दे डाली है, तो कभी वो हैरी को धमकी दे रही है कि इमली को मार दो। लेकिन क्या ज्योति का ये प्लान सक्सेसफुल हो पाएगा? वहीं आर्यन के सामने जहां आ गई है कैरी की सच्चाई। जी हाँ दोस्तों, जहां इमली कैरी बनकर इतने दिन से पूरे घर में घूम रही थी और ज्योति का पर्दा फाश करने की कोशिश कर रही थी, वहीं आर्यन के सामने आने वाली है अब कैरी की सच्चाई। क्या होगा अब आर्यन का रिएक्शन, ये तो आगे ही पता चलेगा। हेलो दोस्तों, आपको बता दें कि आने वाला एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाला है, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे जब आर्यन को शक हो जाता है कैरी पर, वो कैरी का हाथ पकड़कर जानबूझकर अपनी ओर खींच लेते हैं और वो चाहते हैं कि ये खुद अपना सारा सच उगल दे, लेकिन कैरी फिर भी ऐसा नहीं करती। जानबूझकर आर्यन कैरी को गले से लगा लेते हैं, वहीं बड़ी माँ खिड़की में से देख लेती हैं और बड़ी माँ को तो यही गलतफहमी हो जाती है कि कैरी को आर्यन ने गले से लगा लिया है और कैरी का आर्यन के साथ अफेयर चल रहा है। वहीं आपको तो पता है बड़ी माँ को तो मौका चाहिए कोई ड्रामा क्रिएट करने का। अब वो पूरी फैमिली के सामने जल्द ही जाने वाली है और बताएंगी कि आर्यन और कैरी के बीच में कोई चक्कर चल रहा है। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है जब सबको लगेगा कि कैरी और आर्यन का चक्कर चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन अब क्या करेंगे आर्यन कैरी की सच्चाई को बाहर निकालने के लिए? वो कैसे गेम खेलेंगे इमली के साथ? ये देखने में तो बहुत मजा आने वाला है। साथ ही आपको बता दें एक बड़ा हादसा भी होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इमली के साथ एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, जहाँ आप तो जानते ही हैं ज्योति ने पहले कैरी को इमली को मारने की धमकी दी थी। वहीं पे ये तो इम्पॉसिबल है कि कैरी इमली को मार दे, क्योंकि आप सब जानते ही हैं कैरी ही इमली है। वहीं जो हैरी को भी अगली धमकी दी थी ज्योति ने, तुम्हें इमली को मारना है। तो जब हैरी पहुंच जाते हैं इमली के कमरे में, तब इमली अपने आप को बचाने के लिए और साथ ही अपने बच्चे को बचाने के लिए हैरी से हाथापाई करने लगती है और जहां गेट के सामने आकर गिर जाती है उसकी लाश। पूरे घर वाले जाते हैं गेट के बाहर और जब जाते हैं और हैरी को ऐसी हालत में देखते हैं तो पूरे घर वाले हो जाते हैं शॉक। आर्यन हैरी को अपने साथ उठाकर ले जाता है। वहीं आर्यन ये भी सोचता है कि ये सब कैसे हुआ, ये तो मेरे कमरे की खिड़की के आगे से ही गिरा है, तो इसकी ये हालत किसने की या ये ऐसे कैसे गिर गया? वहीं वो जाएगा भागते भागते इमली के पास ये सच्चाई जानने के लिए। तो क्या इमली बता देगी कि मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में हैरी को धक्का दे दिया और ये धक्का कोई जानबूझकर नहीं गलती से लगा? लेकिन क्या होगा अब आर्यन का रिएक्शन? क्या पता अब आर्यन ज्योति की जगह इमली को ही ना पहुंचा दे जेल? ये तो आप जानते ही हैं कि आर्यन को इमली पर कभी भी भरोसा नहीं रहा, उन्होंने बार बार इमली पर शक करने की गलती की है। तो इस बार भी क्या करेंगे आर्यन इमली पर शक? चल दोस्तों, ये तो आगे ही पता चलेगा कि कहानी आगे क्या मोड़ लेने वाली है। मेरे दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी और बॉलीवुड की तमाम अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो और लाइक करना ना भूलें।